नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पीआर पर। एक बार जब धन की लत लग जाती है, जब उस लाइफस्टाइल की लत लग जाती है जिस लाइफस्टाइल में शान हो, शौकत हो, आराम हो, तो फिर छूटती नहीं है। और इसी लाइफस्टाइल का मारा एक व्यक्ति इरफान, जो कि ऐसे ऐसे कारनामे करता था जो आपको ज़रूर जाने चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है और इसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, कहने को तो बहुत कुछ पॉजिटिव बहुत कुछ नेगेटिव आएगा, लेकिन है तो ये चोर ही। बताएं आपको कि इसका नाम है इरफान और गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है, बिहार का रहने वाला है। हाई प्रोफाइल लाइफ जीने की तमन्ना थी, पैसे कमाने के लिए पहले देश के बाहर गया, वहाँ पैसे कमाए, वापस आया तो इसकी लाइफस्टाइल ही बदल चुकी थी। इसे शानो शौकत आराम चाहिए होती थी, बड़े बड़े कारों में घूमना, इसके अलावा दोस्तों को बात बात पर पार्टी देना, गाँव वालों को पार्टी देना, यह सब इसका एक दिनचर्या बन गया था। ऐश की ज़िंदगी जीना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था और इसकी लत लग गई थी इसे। तो ये क्या करता था इसके लिए? इसके अलावा यह भी बता देते हैं कि गांव वालों को सड़क भी बना कर दिया, अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है तो उसमें पैसे भी दिए, कईयों को पढ़ने के लिए भी पैसे दिए, बहुत मदद किया। और इसके अलावा अपनी पत्नी को चुनाव में भी उतरवाया, जिला परिषद के चुनाव में, ताकि वहाँ अगर वो जीत जाए तो फिर वहाँ से भी पैसे आए। लेकिन इसके पीछे ये क्या करता था कि आखिर इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से? इतने बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने का जो शौक़ था, क्योंकि इसके दोनों माता पिता तो मजदूर थे, तो ये इतने पैसे लाता कहाँ से थे? आपको बताया कि ये हाई प्रोफाइल चोरियाँ किया करता था, बिल्कुल धूम टू के स्टाइल में। धूम टू मूवी तो आप सबने देखा होगा, किस प्रकार से ऋतिक रोशन हाई प्रोफाइल चोरियाँ करता था, उसके बाद उसे ऐश करने की लत लग गई थी। ठीक यही जो रियल लाइफ में इरफान ने किया। वो पहले हाई प्रोफाइल केसेस कैसे करता था? पहले काम के लिए घर पर जाता था, घर पर काम करता था, फिर उसी रात उसी घर में चोरी करता था, गहने और पता नहीं क्या क्या सब चोरी कर कर उसे बेचता था, और उसके बाद आकर वापस गांव वालों पर लुटाता था। गांव वालों को भी ये चीज़ें भरोसा की बात उसके दिमाग में नहीं घुसी कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, और गाँव वाले मान ही नहीं रहे थे। लेकिन जब यूपी पुलिस ने सारी सच्चाई बताई तो फिर सबके दिमाग में ये चीज़ें खुली, लेकिन उसके बावजूद गाँव वाले उसके खिलाफ नहीं बोल रहे थे। लाजमी सी बात है, अगर कोई पक्की सड़क बनाकर दे रहा है, बेटी के शादी में पैसे दे रहा है, अगर पैसे की कमी है तो उसे पैसे प्रोवाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो कोई किसी के खिलाफ कैसे बोलेगा? क्योंकि इतना तो सरकार भी नहीं कर पाती। तो एक ऐसा चोर जो समाज सेवा भी करता था और ऐश की जिंदगी भी जीता था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहें। बहुत बहुत